बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS619 की स्प्रिंग 2022 2022 की एक प्रोजेक्ट लिस्ट आ गई आपकी अनाउंसमेंट में। तो स्प्रिंग में जिन लोगों ने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है तो उनके लिए कौन से आसान प्रोजेक्ट होंगे, मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट कैलिबर के लिहाज से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 202 पेजेस पे है लिस्ट, आपके अनाउंसमेंट में जाएंगे वहाँ पे लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर लें, वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा। लेकिन कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिन लोगों ने स्प्रिंग में चूज़ किया और वो फॉल तक कंटिन्यू करेगा पूरा साल प्रोजेक्ट, अगर आप में फेल पास की बात मैं बाद में करूँगा, अगर आपने सिलेक्शन छोड़ दी तो अगले साल स्प्रिंग 2023 में सिलेक्शन होगी आपकी। अगर आप फॉल में फेल हो जाते हैं, यानी स्प्रिंग में तो नहीं फेल होते, स्प्रिंग 2022 में भी आपने फेल नहीं होना, तो फॉल भी पूरा गुजर जाएगा, फिर नेक्स्ट स्प्रिंग 2023 के अंदर दोबारा सिलेक्शन होगी। तो आप एक साल पूरा जाया करेंगे अगर आपका प्रोजेक्ट गलत चूज हो गया, अगर आपसे प्रोजेक्ट ना बना, आप छोड़ देते हैं, आप असाइनमेंट छोड़ देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बुरे इसके सर्कमस्टांसेस होते हैं। आप कोशिश करें कि आपने जो सिलेक्शन की है उसको पूरा करें, और जो लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन कर लेते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट आवर में फर्स्ट आधे घंटे में, उस दिन उनकी ही उनका ही प्रोजेक्ट तकरीबन आगे चलता है, जो रह जाते हैं उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुश्किल प्रोजेक्ट रह जाते हैं एंड पे, फिर वो बनते भी नहीं, किसी से बनवाएंगे तो वो भी याद में छोड़ देगा, तो और सुपरवाइजर भी इतनी बीच में पार्टिसिपेशन नहीं करते, तो मुश्किल प्रोजेक्ट जो हैं वो बेचारे लोग फेल हो जाते हैं, और फिर एक साल बाद फिर सिलेक्शन आती है, फिर अकल आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि होश के नाखून लें, आज लिस्ट आई है, सिलेक्शन होनी है 20 मई को, जिस दिन कोर सिलेक्शन एंड हो जाएगी उस दिन आप लोगों की जो है वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी, एक LMS के अंदर CS619 में लिस्ट आ जाएगी, आपने उसमें सामने लिखा होगा सिलेक्ट या फिर आपने रिमूव करना है, डिलीट करना है और फिर कोई दूसरा चूज करना है। इतना टाइम नहीं होता, आपने एक को सोच समझ के सिलेक्ट कर लेना है जो आसान होगा, जो मैं बताऊंगा, और फिर आपने कोशिश करनी है कि उसी के साथ ही ड्रैग करें। हाँ, कस्टम प्रोजेक्ट भी, उस पर मैं बात करता हूँ, पहले मैं लिस्ट पे आ जाऊँ। कस्टम प्रोजेक्ट क्या होता है कि आप चाहते हैं कि मैंने कोई नेट से सर्चिंग की और मैंने खुद उसकी अब्स्ट्रैक्शन इंट्रोडक्शन बना लिया, उसकी कैटेगरी देख ली, उसकी मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, उसके जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है वो लैंग्वेज टूल, तो उसको बना के आप भेज देंगे, ईमेल कर देंगे, जैसे कि आपके अकाउंट में आया हुआ है कि जी मैंने ये कस्टम प्रोजेक्ट खुद बनाना है, इनमें से नहीं मैंने कोई बनाना, तो वो फिर अप्रूव या डिसअप्रूव वो करेंगे, फिर देखा जाएगा। लेकिन ये वही लोग करेंगे जो बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर हैं, जो बहुत ही अच्छे डेवलपर हैं, जिनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो लोग करेंगे। तो कस्टम प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कस्टम की तरफ जाने से पहले आप इसी लिस्ट को अच्छी तरह पढ़ें तो कर सकते हैं। 30 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक सुपरवाइजर के अंडर 30 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वही एक प्रोजेक्ट को 30 स्टूडेंट्स कर रहे होंगे सिलेक्ट, अगर 30 हो गए फिर नेक्स्ट 30, तो इस तरह लिस्ट आती जाएगी, आपने सिलेक्शन करनी है। LMS 20 मई को सुबह 9 बजे आपकी सिलेक्शन ओपन हो जाएगी, आप 8:50 पे ऑनलाइन हो जाएं और उसको रिफ्रेश करें पेज को बार बार, और प्रोजेक्ट आते जाएंगे तो उनमें से जो प्रोजेक्ट आसान होंगे वो आप चूज कर लें। आई होप सो काफी सारी गाइडलाइंस हो गई हैं। फर्स्ट 73 पेजेस तक बहुत सारे डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेस के प्रोजेक्ट हैं 73, लेकिन इनमें से कुछ वेब के भी हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इस तरह करके वेब प्रोग्रामिंग सर्च कर लें या फिर वेब बेस सर्च कर लें तो आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्ट, वेब बेस्ड या फिर वेब एप्लीकेशन, तो या फिर वेबसाइट, वेबसाइट, तो इस तरह आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ज्यादातर लोग वेबसाइट बनाएं, आसानी से बन जाएगी आपका प्रोजेक्ट, आसान होगा,
तो वेबसाइट क्यों कह रहा हूं और किस प्रोजेक्ट को मैं आसान कहता हूं, तो मैं उसकी तरफ आपको मूव करवाऊंगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं 73 से पहले भी, लेकिन मैं 73 से लेके 200 पेजेस तक गया हूं, तो मैंने उसमें से देखा ऑनलाइन मेडिकल एंड हर्बल स्टोर, ये मेरी पहली चॉइस पे हो सकता है। लेकिन इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट है, मैंने जैसे बोला 73 पेजेस में पहले भी हैं, उनमें से भी मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का होगा कि एंड्रॉयड ऐप या पाइथन का प्रोजेक्ट, तो भाई मेरे पाइथन का प्रोजेक्ट करें, मैं आपको रोक नहीं रहा, पाइथन का प्रोजेक्ट करें, लेकिन पाइथन आती हो तो करें, पाइथन नहीं आती सीखें और कर लें। लेकिन आसान जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी कैटेगरी में आपने आना। तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं जब आप प्रोजेक्ट चूज करते हैं। नंबर वन कैटेगरी, क्या आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने इंट्रोडक्शन सही तरह पढ़ा उसको समझा, फिर आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखी। जिसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट कम होगी, जैसे इसकी पहले 8-10 यहाँ होगी, एडमिन में भी 8-10 हो गई हैं, और फिर टूल देख रहे हैं, टूल में जिसके टूल में HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, तो ये वाली लिखी होंगी, तो उसको सिलेक्ट कर लें। इन में से ये वाला जो प्रोजेक्ट है मैं रिकमेंड करूँगा बना लें, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये आसानी से बन जाएगा, कोई भी बना लेगा। इसके रिलेटेड हेल्प आप नेट पे सर्च करेंगे मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन वेब बेस्ड मेडिकल स्टोर, तो आपको इसकी बहुत सारी हेल्प, बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, इसकी डायग्राम्स भी मिल जाएंगी। तो सारे तो नहीं चूज़ कर सकते, पूरी व्यू ये नहीं चूज़ करेंगे, तो जिनका सेलेक्ट हो जाए तो ये आसान प्रोजेक्ट है। नंबर वन ऑनलाइन मेडिकल सिस्टम, अगेन आसान है, इसमें आपने देखना है डॉक्टर मॉड्यूल, पेशेंट मॉड्यूल और एडमिन, तीन इसमें यूजर्स होंगे। लेकिन इसमें जो लैंग्वेज है वो उन्होंने डिफरेंट कर दी, एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो होगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, लेकिन बनाया जा सकता है। इसमें आपको लैंग्वेज जो है वो जावा कह दी गई है, तो जिनको जावा आती होगी वही बनाएंगे, या कोटलिन, तो ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट भी बनाया जा सकता है अगर आप इसको मतलब लेके जा सकें। नेक्स्ट में एक बात बताऊंगा, पीयर टू पीयर राइड शेयरिंग सर्विस, तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है 77 पे, तो इसको मैं रिकमेंड इस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं कह रहा कि आप बनाएं। ये 79 हो गया पेज, तो मुझे जो 73 पे आसान लगा था, तो मैं नेक्स्ट आपको वेब पे लेके जाता हूँ, तो जहाँ से वेब की स्टार्ट होती है 73 पे था। तो ये एक जी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इस तरह की मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई थी, एल्गोरिथम विजुअलाइजर, तो इस तरह की बनाई जा सकती है, इसके हेल्प भी मिल जाती है। ये वो टॉप लेवल स्टूडेंट्स बनाएं जो वाकई ही डेवलपर बनना चाहते हैं, उनकी स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी और उनको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी अगर वो ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं एल्गोरिथम विजुअलाइजर। नेक्स्ट ये हिट लिस्ट पे होना चाहिए, अलमास शूज स्टोर, आंखें बंद करके सेलेक्ट कर लें इसको, इसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी है, PHP लैंग्वेज है, HTML, CSS, JavaScript इसमें आ जाएगी, और ये रिक्वायरमेंट भी कम है, इसको लाजमी बनाएं, ये अलमास वाला लाजमी सेलेक्ट कर लें, ये कोई नहीं आपको मुश्किल लगता। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है टोकन कॉइन्स, तो इसकी रिक्वायरमेंट और लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, पाइथन लैंग्वेज जेंगो है, तो भाई मेरे पाइथन से कोई लड़ाई नहीं है, आप मुझे काफ़ी दफ़ा गालियाँ पड़ी कि मैंने जी पाइथन का कह दिया कि जी पाइथन का नाम बनाएं, पाइथन वही सीखें, टूल देखें, लैंग्वेज सीखें, अगर आपको आ जाता है तो उसके बाद आप बना लें। ये टॉप ट्रेंडिंग जो है ना टॉपिक्स में से ये प्रोजेक्ट है, अगर आप बना लेते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। जो लोग बना सकते हैं, आसान नहीं है, सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। ऑटोमेटिक क्वेश्चन पेपर जनरेटर, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स के लिए टॉप लेवल आसान नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, काफ़ी सारी मेहनत लगेगी, लेकिन बन जाएगा, ये मुश्किल नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, बन जाएगा। बी अवेयर ओला, ये जो है ना जैसे न्यूज़ नहीं आती, ये वैसा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, ये C# है, वेब इसमें XML, C#, जिन लोगों ने CS 411 पास कर लिए उनके लिए ये हलवा है।
जहाँ अगर उन्होंने इंसानों की तरह पढ़ी है, तो अदरवाइज आपको सी शार्प, एच टी एम एल, सी एस एस, एक्स एम एल ये सारी सीखनी पड़ेंगी, एस क्यू एल सीखनी पड़ेगी, तो फिर आप बना सकेंगे। बाइक जोन आंखें बंद करके सेलेक्ट कर लें, ये बन जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, पीएचपी करनी है या सी शार्प करनी है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चॉइस क्लॉथिंग स्टोर सिलेक्शन के ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, एच टी एम एल, सी एस एस, ये आसान है। ये क्लॉथिंग ऑनलाइन सिस्टम वाला पेज नंबर 97 पे। सिनेमा मैनेजमेंट सिस्टम, ये टिकट बुकिंग सिस्टम है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो सी शार्प है, और मैंगो डीबी या फिर एस क्यू एल सर्वर, दोनों में इसको एक सेलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस, और सी शार्प सेलेक्ट कर लें। एक बात बताऊँ, क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम, वो ये थी कि क्राइम रिपोर्टिंग जो है वो इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट पड़ा भी है नेट पे स्लाइड शेयर के ऊपर, वीएल स्टूडियो के अंदर बनाना पड़ेगा इसको। लेकिन ये जो आपके सर हैं, ये मैडम है, स्काइप आईडी पे इनसे बात करें, ईमेल पे इनसे बात करें, लाजमी इनको फर्स्ट डे पे सिलेक्शन के फौरन बाद ईमेल कर दें कि मैंने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, तो आप मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, तो वो आपको लिंक्स भेज देगी, आपको बता देगी। क्रॉकरी ऑनलाइन सिस्टम आसान प्रोजेक्ट है, मैं बार बार यही बता दूंगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे पे ही रह जाना। लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली थी कि पी एच पी, माई एस क्यू एल, बूटस्ट्रैप, एच टी एम एल जा, तो ये आसान है, बस सिर्फ ये रिएक्ट का जो है ये एंगुलर जे एस थोड़ा बहुत मसला करेगा, लेकिन सारी लैंग्वेजेस ना भी आती हों तो फिर आप कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी फ्रेमवर्क लाइक लार्वल, तो फ्रेमवर्क के ऊपर भी वो कहते हैं कि फ्रेमवर्क चूज करें, तो ये भी। डिज़ाइन एंड डेवलप एन ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम आसानी से बनाया जा सकता है। लैंग्वेज अगर इसमें ASP.NET है, एक्टिव सर्वर पेजेस, तो ये सीखनी पड़ेगी आपको, जिन लोगों ने CS411 पढ़ी हुई है वो आसानी से कर लेंगे। सी शार्प, एस क्यू एल, पी एच पी, माई एस क्यू एल, अगर आपने ASP नहीं करना तो फिर PHP में कर सकते हैं, PHP माई एस क्यू एल कर लें, HTML, CSS वो साथ में आ जाएगी। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी आसान ही है। हाँ जी, ये भी आसानी से बन जाएगा क्योंकि HTML, CSS है, मैडमें होती हैं ज़्यादातर। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सा है, इसको कम लोग सेलेक्ट करेंगे, डी हो बुक, ये जो है पेशेंट के रिलेटेड है, सर्वाइवर के रिलेटेड है, डिजीज़ के रिलेटेड है, तो ये प्रोजेक्ट कम लोग चूज़ करेंगे, तो इसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पढ़ लें और बनाया जा सकता है, आसान है, वेब बेस है, HTML है, इसके अंदर आप बना सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, आंखें बंद कर लें, सिलेक्ट कर लें, और इसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं बताया, यू आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज, सो आई विल गो विद HTML, CSS, JavaScript। आप आंखें बंद करके ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट कर लें, ये आसान है, इसकी रिक्वायरमेंट कम है। रिक्वायरमेंट मैं किसको बोल रहा हूँ, ये 5 रिक्वायरमेंट है, तो इनके अंदर आपने खुद ही अपनी मर्जी से सर्चिंग करके सारा कुछ बनाना होता है। एक एडमिन का बनेगा, एक स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म, तो ये मस्ट मेक वाला प्रोजेक्ट है। एफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट पोर्टल, तो डॉक्टर पेशेंट है, इसमें भी 3 यूजर्स होंगे, एडमिन की 4 रिक्वायरमेंट हैं, 8 पेशेंट की हैं, डॉक्टर की 7 है, आसानी से बनाया जा सकता है, HTML, CSS, और कोई मुश्किल नहीं है। आप जल्दी से ये लैंग्वेज, HTML आप 7 दिन में अच्छे से सीख सकते हैं, CSS 7 दिन में सीख सकते हैं, JavaScript थोड़ी हैवी वेट है, इसको पूरी ज़िंदगी भी सीखते रहे तो कम है, JavaScript भी सीखी जा सकती है। फिर आपकी बारी आती है PHP सीखने की, PHP थोड़ा टाइम लेगी, 1 मंथ, और फिर MySQL। इसमें प्रोजेक्ट जब सिलेक्शन हो रही होती है तो आप कर लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट लाजमी पढ़ें कि मैंने ये प्रोजेक्ट, अभी आपके पास 7 दिन है, 20 को आपका होना है, तो इसमें आपने SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फिर कोडिंग आती है, तो कोडिंग तक पहुंचने के लिए आपके पास अभी आज के दिन से भी 4 महीने पड़े हैं, तो अगर आप कोडिंग आज भी सीखना शुरू करें, HTML, CSS, JavaScript, क्योंकि उन्होंने इतना नहीं होता कि डेवलपर बेस आपसे पूछना होता है, तो आपने सिंपल थोड़ा सा भी, आपको 10% भी आता हो तो आप बना सकते हैं। नादियत बसम काफ़ी अच्छी सुपरवाइज़र हैं, इनका प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इनके प्रोजेक्ट थोड़े डिफरेंट से होते हैं रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको 4GPA इसमें से आराम से आता है। तो ई सर्विस फैसिलिटी फॉर हाउसिंग सोसाइटी, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है,
बनाना चाहिए, आसान है, रिक्वायरमेंट थोड़ी है, तो 7 है और लैंग्वेज भी इसकी यानी टूल भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इवेंट बिडिंग ऐप है, ऐप जिन लोगों के जावा और इनका शौक है एंड्रॉयड ऐप बनाने का वो लाजमी सेलेक्ट करें। मैं शुरू में जाऊंगा जहाँ पे आपको इनके रिलेटेड बताया जा सके। बहुत सारी ऐप आगे हैं जहाँ पे वेब बेस जो है वो आप बना सकते हैं, जिसमें HTML, CSS, JavaScript आ जाती है और फंक्शन रिक्वायरमेंट उसकी कम है, 10 है। तो ये देखें आप टूल पाइथन है, तो पाइथन भाई जिसको शौक है, जो आगे जाना चाहता है, नंबर वन लैंग्वेज है जॉब के लिए, वो लाजमी वो पाइथन का प्रोजेक्ट करे, एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट करे। होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट आसान है, लेकिन लैंग्वेज देख लें कौन सी है। उन्होंने लार्वल ये PHP के जो हैं वो फ्रेमवर्क्स हैं, तो उन्होंने कहा इनको यूज़ करें, अगर आप इनके समझ लेते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेशन, आसान प्रोजेक्ट है ये क्योंकि नया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने C# की लिमिट लगा दी है कि लैंग्वेज आपने C# रखनी है, तो ASP तो मिक्सचर है ये सारा। तो जिनको ASP C# आती है, .NET आती है यानी CS411 का सब्जेक्ट आता है, तो वो इसको बनाएं। हाउस होल्ड ऑनलाइन सर्विस, तो ये भी वेब बेस है, इसको भी आप नहीं कर सकते क्योंकि C# जावा डेटाबेस है, आसान प्रोजेक्ट्स में से नहीं है ये, तो ओनली मेंशन लैंग्वेज में से उन्होंने कहा हुआ है। इंटेलिजेंट डेट शीट जनरेटर है, तो डेट शीट जो है वो उसको देखना। जॉब रिक्रूटमेंट ऑनलाइन सिस्टम है, ये आप आसानी से कर सकते हैं जॉब ऑनलाइन। उसके बाद लाहौर सिटी शेर, ये प्रोजेक्ट लाजमी चूज करें जो लाहौर ये है स्पेशली, ये सिलेक्ट कर लें, आंखें बंद करके कर लें, ये हो जाएगा, इसके बहुत आसान रिक्वायरमेंट है। तो लाहौर ढाबा ऑर्डरिंग सिस्टम अगेन आसान है, इसमें आप आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज को देख लें। PHP का है, बन जाएगा HTML के अंदर ही, उन्होंने कहा HTML इनको देख के बनाना है। लॉयल्टी पॉइंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रोजेक्ट है, पाइथन के रिलेटेड है। यू कैन यूज ओनली मेंशन टूल, सो आप फंस जाएंगे अगर आपने सिर्फ पाइथन और SQLite को यूज़ करना है। और मीटिंग स्केड्यूलर आसान है, इसमें उन्होंने कोई इतना बड़ा मंत्र नहीं दिया, उन्होंने आप पे छोड़ दिया, लैंग्वेज जो चूज़ करनी है आप आसानी से बना सकते हैं। MP3 म्यूज़िक लाजमी बनाएं, मज़े का है, अपनी मर्जी से बनाया जा सकता है, MP3 बनाया जा सकता है। नेक्स्ट नीलम घर पहले भी कभी प्रोजेक्ट बना था ऑनलाइन स्टोर टू सेल, तो नीलम घर प्रोजेक्ट आसानी से बनाया जा सकता है, लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन इस पे मेहनत की जाए तो आसानी से बन जाएगा, ये कोई आपके पीछे नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, कोई भी बना सकता है। ये कल्टीवेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉवर्टी के रिलेटेड है, ये जब यूनिक सा नाम होता है ना इसको आपको काफ़ी एज मिलता है, तो ये आप इसको कर सकते हैं। ऊपर से मैडम है आगे से, तो वो मैनेजमेंट है इसकी हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कूल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, आसान प्रोजेक्ट है लेकिन लैंग्वेज को देखना है, लैंग्वेज आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने HTML, CSS, JavaScript, HTML, PHP को यूज़ करना। ऑनलाइन बैंक लोन एप्लीकेशन है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ, C# और जावा जिन लोगों को नहीं आती वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट ना करें ये वाला, उन्होंने बताया स्टूडेंट कैन यूज टूल ऑफ देयर ओन चॉइस टू, मतलब आपको है कि आप वेब बेस कर सकते हैं और अपनी मर्जी का PHP HTML यूज कर सकते हैं, तो ये मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ऑनलाइन डाइट फाइंडर है, वेब प्रोग्रामिंग वो चीज़ें देख लें, और जिन लोगों ने एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट करना है उन लोगों के लिए जो है वो मैं पेज नंबर 26 से आगे मैं बात करूँगा। ये भी एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, myproducts.com, आसान प्रोजेक्ट है लेकिन इसमें वो टूल यूज जो हो हैं वो देखने वाले हैं। ऑनलाइन बजट प्लानर एप्लीकेशन है, ये भी आसान है। वेब बेस्ड ऑनलाइन जॉब पोर्टल ऑनलाइन स्टोर, इन प्रोजेक्ट को आराम से कर लें आप, इनमें आपको कोई मसला नहीं है। ये इमेज प्रोसेसिंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट है, मैं एक 50 के पास एंड्रॉयड बेस फर्नीचर परचेजिंग एप्लीकेशन, ये जिन लोगों ने एंड्रॉयड करना है उनके लिए मैं बोलने जा रहा हूँ कि वो एम्बुलेंस बुकिंग ऐप आसान है, वो इसको बनाएं, उनसे उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। उसके बाद आप जो है वो
ऑर्डरिंग सिस्टम जो होता है वो कर सकते हैं ऑनलाइन, बैटरी सेवर इसके रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, वो नेट पे मिल जाएगा इसका कोड, आप बना सकते हैं। एंड्रॉयड बेस्ड कार रेंटल ऐप अगेन आसान है, जिन लोगों ने एंड्रॉयड ऐप बनानी है उनके लिए बात कर रहा हूँ। बुक बैंक अगेन आसान है, ये भी बनाया जा सकता है। कम्युनिटी ग्रॉसरी स्टोर, इतनी ज़्यादा ऐप्स नेट पे पड़ी हैं, इसका कोड पड़ा है इसके रिलेटेड। आप डे केयर मैनेजर है तो उसको देख लें, ये भी आसान है। इसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए जावा और फिर उसके रिलेटेड XML, कोटलिन, फायरबेस, डेटाबेस, MySQL, ये आएंगी तो फिर आप बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन स्टोर्स बनाएं, चाहे एंड्रॉयड में बनाएं चाहे इधर बनाएं, उन सब के लिए यही है। वेब बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप आसानी से चूज कर सकते हैं। 20th डेट को आप सुबह 9 बजे एक प्रोजेक्ट सिलेक्शन करेंगे, आप इसकी सिलेक्शन लाजमी कर लें 9 बजे, 9:15, 9:30 तक इसको पेज को रिफ्रेश करते रहें। और जो लोग जिनको थोड़ा सा भी इशू है अपनी, जो डर रहे हैं, उनका उनसे मैं यही कहूँगा वो कैंपस में चले जाएं और कैंपस में किसी से हेल्प लेके जल्दी से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। बहुत सारे लोग जिनके कैंपस मैनेजर अच्छे हैं वो उनका खुद ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, उनका प्रोजेक्ट उनकी जगह पे लॉगिन लेके खुद ही कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है वो उनके लिए आसानी है, तो नहीं तो किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ भी मिलके बना लें। उसके बाद ये है कि जो कहते हैं हमें कोड नहीं आता, तो मेरी प्लेलिस्ट है HTML, वहाँ से सीख लें। CSS की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से कोड सीख लें, आपको आसानी से कोड आना शुरू हो जाएगा। अभी 4 महीने हैं, कोड सीखना मुश्किल नहीं है, कोड सीख लें आप। HTML, CSS, PHP, JavaScript इनको सीखें और अल्लाह जानता है आप सीख सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई मसला है तो मैं बता दूंगा, मैंने रिसेंटली एक ग्रुप बनाया, उस पर मैंने सुबह ही वीडियो अपलोड की है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लें, फिर उसके अंदर मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर दूंगा कि ये लिस्ट कर लें, इसमें से सिलेक्शन कर लें। फिर कोई और भी अगर मुझे LMS मिल गया तो उसके अंदर मैं सिलेक्शन का तरीका भी बता दूंगा कि जहाँ से आपने जाना है CS619, उसे ओपन कर लेना, उसकी लिस्ट आएगी, रिफ्रेश करें, तो बार बार रिफ्रेश करते रहें और सुबह 9 बजे ही सिलेक्शन ओपन हो जाती है। लास्ट टाइम स्प्रिंग में रात 11 बजे ओपन हुई थी, क्योंकि कोई इशू आ गया था तो उन्होंने एक दिन बाद की और रात के 11 बजे ही 12 बजे ओपन हो गई और फिर बहुत सारे लोग रह गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह 9 बजे ही होती है। तो आप 9 बजे ऑनलाइन होंगे और 9 बजे से पहले 10 मिनट पहले ही ऑनलाइन बैठें और सिलेक्शन कर लें। सामने सेलेक्ट का बटन होगा, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें HTML CSS है, जावा वाले ना सेलेक्ट करें, पाइथन वाले सेलेक्ट ना करें, जो कि वीकर स्टूडेंट है मेरी तरह के, जिनको बहुत अपने पे गुरूर है, घमंड है, जिनको बहुत लगता है जी वो पाइथन भी कर सकते हैं और हर चीज़ कर सकते हैं। भाई तू कर सकता है तो कर ले, जो तुम्हारा दिल है और उसमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है करें। तो रूल यही है, आपने कैटेगरी देखनी है, टूल देखना है, फंक्शन रिक्वायरमेंट देखनी है और उसके मुताबिक आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। आसान है जिसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट कम होगी। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।